दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। हमें देखना क्या ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। जैसे हमारा 5/6 है तो दूसरा भी 5/ क्या होना चाहिए, 6 होता है, तभी इक्विवेलेंट होगी। ये 5/6 इक्वल टू 5/6, तो यही हमें देखना। ये तो 5/4, ये तो टूट नहीं सकता, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, ये 5 के टेबल में आ रहा। किसके टेबल में आ रहा? 5 के। 5 2 10 और 2 बच रहा 5 5 25। 5 2 10 और ये 0। अब हमारा 25/20 बच रहा। अब फिर 5 के टेबल 5 5 25, 5 4 20, तो हमारा क्या है, 5/4 आ रहा। तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारे इक्विवेलेंट क्या होगा, 5, ये 5/4 इक्वल टू 5/4, इसका मतलब 5/4 ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट है। यस, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ देखना है 12/25 और ये 6/12। तो 12/25 को हम तोड़ेंगे, क्योंकि यही ये तो छोटा है, ठीक है। तो 2 के टेबल में चला, 3 की भी नहीं आ रहा, 4 के टेबल में 12 और 12, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। मतलब अगर 3 के टेबल में 12 आ रहा तो 3 की 25 आ रहा, तो ये ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों के टेबल में आता। तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, सॉरी, इको इक्विवेलेंट, ठीक है, फ्रैक्शन। ये दोनों इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि 12/25 किसी एक नंबर से कट ही नहीं रहा, मतलब किसी एक नंबर के टेबल में आ ही नहीं रहा। ओके, अब हम देखो, ये हमारा क्या 6/5 है, सॉरी, और हमें 5 1 5 और 6, ये 6/5, तो ये इक्विवेलेंट है। देखो, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, 5 1 5 और 1 6, तो ये तो आपस में इक्विवेलेंट है। दिस इज द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, अब हमारे पास देखो ये क्या, 45/65 इक्वल टू 18/20। अब देखो, काटो इसको, 5 से कट रहा, 5 9 45, ठीक है, और 5 1 5 1 बच रहा, 5 3 15, ठीक है। अब देखो, ये 18 और 6, 3 से कटा, 6 3 18, और सॉरी नहीं कट रहा 6 से, किसी भी एक नंबर से नहीं कट रहा। तो 9/13 और 18/20 इज नॉट इक्विवेलेंट, इज नॉट इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, थैंक यू।